जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपको करते हैं सचेत कि किस प्रकार आप उन बीमारियों से बच सकते हैं जो आपको अपनी चपेट में ले लेती हैं और आप रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। उन रोगों से आप किस प्रकार निजात पा सकते हैं, कैसे अपना खास ख्याल रख सकते हैं, ये सब हम आपको बताते हैं सी हेल्थ के माध्यम से। और इसी प्रकार हम आज भी हाजिर हुए हैं अपने इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ को लेकर आप सभी के बीच, और आज भी हम चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और आप तक पहुंचाएंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनिल अग्रवाल। स्वागत करना चाहेंगे आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि किस प्रकार आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बच्चों के लिए खासकर टिप्स देने के लिए आए हैं कि बच्चे, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, बहुत जल्दी रोगों में वो ग्रस्त हो जाते हैं, बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो बच्चों को किस तरीके से इस बदलते हुए मौसम में खास ख्याल रखने की जरूरत है और पेरेंट्स बच्चों की खास ख्याल कैसे रख सकते हैं, कैसे उनकी सेहत का खास ख्याल रख सकते हैं, उनकी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, ये सब बताने के लिए आए हुए हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल। तो आपके साथ हम अपनी चर्चा शुरू करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है हमारे मौसम में, बारिश हो रही है लेकिन धूप भी निकल रही है, गर्मी, उमस, बेचैनी, इतनी सारी तमाम चीजें हमारे एनवायरमेंट में अचानक से ये सब जो हो रहा है बदलाव, तो इसकी वजह से आपको कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिल रही हैं? बारिश जहां हम लोगों को गर्मी से निजात दिलाती है और एक सुहावना मौसम लेके आती है, साथ में ये बहुत सारी बीमारियां भी लेके आती है। अभी हम उन्हीं में से कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो खास तौर से इस मौसम में होती हैं, उनसे किस तरह से हमको बचाव करना चाहिए, किस तरह से उनकी पहचान करनी चाहिए, और अगर वो हो गई हैं तो उसका इलाज, और अगर हम उनको रोक सकते हैं तो वो रोकथाम के क्या उपाय हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे ही मौसम में बदलाव आता है वायरल इन्फेक्शन डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कौन कौन सी इन्फेक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शन कहलाते हैं? देखिए, वायरसेस बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि हर समय हवा में, पानी में और हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो ये हमेशा वातावरण में मौजूद हैं, लेकिन कुछ मौसम की कुछ परिवर्तनों के कारण ये सक्रिय हो जाते हैं और हम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वायरस संक्रमण जो है वो खास तौर से छोटे बच्चे जो 6 साल से कम उम्र के हैं या बड़े बुजुर्गों में ज़्यादा असर डालते हैं, और कुछ और जो ग्रुप है जैसे जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता लो रहती है, कम रहती है, खास तौर से कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, या जो पेशेंट स्टेरॉइड्स लेते हैं उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से उनमें वायरल संक्रमण बहुत जल्दी होता है। वायरस बहुत हजारों, लाखों, अरबों किस्म के वायरस होते हैं, कौन वायरस कब अटैक करेगा ये नहीं पता होता है। हाँ, ये जरूर है कि एक वायरस अगर एक बार आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आगे के लिए उस वायरस से आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, पर इतने ज़्यादा वायरस हैं कि सभी से प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग वायरस के संक्रमण से प्रभावित होते हैं। आजकल बारिश में खास तौर से जो वायरल बीमारियां फैलती हैं उनमें खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, उल्टी होना, दस्त होना, ये सब लक्षण पैदा होते हैं। इनका कारण वायरल इन्फेक्शन प्राथमिकता से होता है। इसके अलावा और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं पर वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, और इनसे बचने के लिए हमको खास तौर से अपने शरीर का हाइजीन जो है वो मेंटेन रखना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों को, जगहों को साफ रखना चाहिए, हम जो भी कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको साफ़ रखना चाहिए, खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने हाथ साफ़ रखें, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, खाना खाने के बाद कुल्ला करें और हाथ धोएं। अगर हाइजीनिक मेंटेन रहेगा तो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी अगर डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया खांसी, जुकाम और बुखार ये वायरल इन्फेक्शन में आते हैं, लेकिन जब आमतौर पर अगर हमें बुखार होता है या जुकाम की अगर हम बात कर ले तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 3 दिन से पहले जुकाम नहीं जाएगा तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वायरल संक्रमण में बहुत सी दवाइयां काम नहीं करती हैं, जैसे एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं होता है। वायरल संक्रमण स्वतः ही ठीक होता है और वो अपना समय लेके ठीक होता है, इसी तरह जुकाम भी एक वायरल संक्रमण होता है, तो अगर ये हो गया है तो ये अपना समय लेगा। हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है कि वायरल संक्रमण कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, अगर वो हो जाता है तो वो बहुत फिर लंबा खिंचता है। तो
तो वायरल संक्रमण अगर हो गया है तो हमें एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल ले लिया, ज़ुकाम है तो विक्स का या इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, गला ख़राब है तो नमक के पानी के गरारे कर लिए, ये प्राथमिक उपचार के रूप में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें परेशानी ज़्यादा हो रही है तो फिर कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें डॉक्टर को दिखा के ही इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हम बुखार की अगर हम बात करें, बच्चों को बुखार आ जाता है तो किस तरीके का बुखार आता है? क्योंकि जब गर्मियों की हम बात कर रहे थे तो लू में एक अलग तरीके का बुखार देखने को मिलता है, लेकिन इस मौसम में किस तरीके का फीवर आ रहा है और कैसा आपको देखने को मिल रहा है मरीजों के साथ? आजकल जो वायरल फीवर चल रहा है वो शुरुआत से ही बहुत हाई ग्रेड होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है और ये 102 से लगा के 105 डिग्री तक हो सकता है। इसमें साथ में जो लक्षण होते हैं वो है ठंड लगना, सिर में दर्द होना, पूरे बदन में हाथ पैरों में दर्द होना, कभी कभी जी मिचलाना या उल्टी आना भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है और पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है या उससे जुड़े हुए और लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल अग्रवाल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मौसम में होने वाले जो परिवर्तन हैं, लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं, वो आपकी सेहत पर क्या प्रभाव डालते हैं, किस तरह की बीमारियाँ आपके साथ हो सकती हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ इस मौसम में आम हो जाती हैं, उन बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जैसे हम बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन की, आपने बताया खांसी, जुकाम, बुखार, और इसका प्राथमिक उपचार जिस तरीके से हम लेते हैं अपने घरों में, डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, तो क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर यानी कौन कौन सी कंडीशन ऐसी ज्यादा हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर हम इसे अवॉइड करें और सिर्फ प्राथमिक उपचार के रूप में ही हम घर में अपना ट्रीटमेंट करें और डॉक्टर के पास न जाएं? वायरल इन्फेक्शन में ये निर्भर करता है कि इन्फेक्शन की डोज क्या है, कितना तीव्रता उसकी है। हल्का वायरल इन्फेक्शन प्राथमिक उपचार से सही हो सकता है, पर अगर सिम्टम ज़्यादा हैं, परेशानी ज़्यादा है, अगर बच्चे को या मरीज को बहुत उल्टियाँ हो रही हैं तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, बहुत दस्त हो रहे हैं तो भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत कई बार बहुत तेज़ बुखार होता है वो दिमाग पे असर डाल सकता है, बच्चे को फिट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्राथमिक उपचार से अगर काम नहीं चल रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बुखार अगर नहीं उतर रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन हमें दिख रहा है, जैसे बच्चा फिट्स में जा रहा है, दौड़े पड़ रहे हैं उसको, डिहाइड्रेशन है, उसकी आंखें बैठ गई हैं, पेशाब कम हो रहा है, ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि तुरंत डॉक्टर को संपर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसके बिना फिर काम नहीं चलता। कभी कभी बहुत ज़्यादा हालत अगर ख़राब है तो भर्ती तक की नौबत आ जाती है, और अगर वायरल इन्फेक्शन में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस सीजन में हम देखते हैं उल्टी और दस्त के पेशेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्या खाने पीने में लापरवाही की जाती है या खाना पीने का क्या सिस्टम चेंज हो जाता है इस मौसम में? क्यों आखिर उल्टी दस्त के पेशेंट और पेट में दर्द के पेशेंट भी बढ़ जाते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि इस मौसम में कुछ जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, वो हवा में भी हो सकते हैं, हमारे खाने की चीज़ों में भी प्रवेश कर सकते हैं। खास तौर से आजकल एक तो बाहर के खाने पीने से बहुत बचना चाहिए, रेस्टोरेंट्स में चाट की ठेलों पर या अनहाइजीनिक जगहों पर खाने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। घर में अगर खाना खा रहे हैं तो वो ताज़ा खाना बने तभी खाना चाहिए, सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह नहीं खाना चाहिए। बासी खाना, बाहर का खाना, ये संक्रमण को दावत देते हैं, इसलिए हमें अगर इनसे हम बच लेंगे तो बहुत भी वायरल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। उसी की वजह से ये सारे सिम्टम होते हैं, जैसे उल्टी होना, दस्त होना, पेट में कोई चीज़ खराब जाएगी तभी पेट खराब करेगी, वरना नहीं करेगी। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब, अगर किसी के साथ इस तरह की दिक्कत है, उल्टी दस्त, बुखार, जुकाम, तो किस तरीके से इलाज उसका, कितने टाइम तक चलेगा और किस तरीके से उसका इलाज किया जाता है? वायरल संक्रमण की बात करें तो इसमें सबसे नंबर एक पे आता है आराम। बहुत से जो माता पिता हैं वो बच्चों को बीमारी की हालत में भी स्कूल भेज देते हैं, उसे सुबह बुखार आ रहा है वो उसको दवा दे के स्कूल भेज देते हैं, वहाँ जाके उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और फिर स्कूल से फ़ोन आता है अपने बच्चे को ले जाइए, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा बीमार है, उसको वायरल इन्फेक्शन है, सबसे पहले उसको आराम की ज़रूरत है। बिना आराम किए वायरल इन्फेक्शन लंबी टाइम तक चलता है और ठीक होने में दिक्कत करता है। दूसरा है, उसको प्राथमिक उपचार देना चाहिए। हर चीज़ का प्राथमिक उपचार होता है, जैसे बुखार का प्राथमिक उपचार है ठंडे पानी की पट्टी रखना, पानी बर्फ़ का ना हो, सादा पानी हो उसकी पट्टी रखना। अगर उल्टियाँ हो रही हैं
तो कोई उल्टी की दवा अपने डॉक्टर से पूछ के देना, और अगर दस्त हो रहे हैं तो उसको पानी की कमी ना हो उसके लिए ORS का घोल बाजार में मिलता है वो शुरू कर देना। ये तीन प्राथमिक चीज़ें हैं जो बच्चे की हालत को ज़्यादा गिरने से बचा सकती हैं, फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं और बाकी उपचार ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई वायरल संक्रमण की, किस तरीके से वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, और आपको बता दें कि अपने बच्चों को आप किस तरीके से इन सब बीमारियों से बचा कर रखें। इन सब बीमारी अगर आपके बच्चे के साथ इस तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो आप उसे हल्के में ना लें, सीधे डॉक्टर से जाके संपर्क करें, क्योंकि ये जो बदलता हुआ वेदर है, बदलता हुआ जो मौसम है, ये वायरल इन्फेक्शन अपने साथ लाता है। तो हो सकता है आपको वायरल इन्फेक्शन हो, और अगर नहीं भी है तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है बारिशों के मौसम में, और मच्छर अलग अलग तरीके के पनपने लगते हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मच्छरों के बढ़ जाने से? मच्छर भी बारिश का एक हिस्सा है। बारिश के बाद जब मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ती है तो मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों द्वारा फैलाई गई बीमारियां फैलने लग जाती हैं। खासतौर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीन बीमारियां हमको परेशान करती हैं बारिश के मौसम में या उसके बाद जी। तो हमें मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों बीमारियों का कोई टीका नहीं है, कोई दवाओं के रूप में कोई बचाव नहीं है। सिर्फ मच्छरों से बच के ही हम इनसे दूर रह सकते हैं। तो मच्छरों से बचने के कुछ खास उपाय हमको इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे अपने घर के आसपास सफाई रखना, अगर कहीं पानी भरा है तो उसको हटाना या उसमें मिट्टी का तेल छिड़क देना जिससे मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। अपने घर के अंदर मच्छरों का प्रवेश रोकने के लिए सभी बाहरी दरवाजे खिड़कियों में जाली लगाना, घर के अंदर मच्छरों के लिए जो स्प्रे आते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, उनका प्रयोग करना, मच्छरदानी का प्रयोग करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल मच्छरदानी का प्रयोग बहुत कम हो गया है, जबकि पुराने ज़माने में ज़्यादा प्रयोग होती थी, और वो एक सटीक उपाय है मच्छरों से बचने के लिए। कुछ क्रीम्स या लोशंस भी आते हैं जिनको लगाने से मच्छर दूर रह सकते हैं, पर वो उनसे मरते नहीं हैं। इसलिए मच्छरों को मारना जरूरी है, उनको घर के अंदर प्रवेश करना से रोकना जरूरी है, और अगर मच्छर काट गए हैं तो फिर उनका उपचार जैसा लक्षण है उस हिसाब से करना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मच्छरों के बढ़ जाने के बाद बीमारियां भी लगातार बढ़ जाती हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे मलेरिया के बारे में, क्योंकि मच्छरों से ही ये रिलेटेड बीमारी है मलेरिया, और अगर मलेरिया किसी को हो जाए तो वो कहते हैं कि बहुत गंभीर समस्या के रूप में उसे वो लेता है, और काफी डरने भी लगते हैं लोग, क्योंकि हमारे समाज में जागरूकता की थोड़ी कमी है और बीमारी का पता लगने से पहले हम अपने उपचार करने लगते हैं। तो मलेरिया के बारे में आपसे सटीक जानना चाहेंगे स्पष्ट रूप से कि आखिर मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह की बीमारी है ये? मलेरिया एक मच्छर के द्वारा काटे गए रूप में ही होता है, यानी मच्छरों से ही पैदा होता है। मलेरिया चार तरह का होता है। ये एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है। हमारे यहाँ खासतौर से दो प्रकार के मलेरिया मिलते हैं, वाइवैक्स मलेरिया और फैल्सीपैरम मलेरिया। वैसे तो दोनों ही खतरनाक हैं, पर फैल्सीपैरम मलेरिया ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। ये दिमाग में पहुँच सकता है, शरीर के किसी अंग में जैसे किडनी, लिवर में पहुँच के उसको ख़राब कर सकता है और मरीज की जान तक जा सकती है। इसलिए ये दोनों ही प्रकार के मलेरिया हमको होने से रोकने चाहिए। मलेरिया के जो लक्षण होते हैं वो दूसरे बुखारों के समतुल्य ही होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता। कभी कभी इसमें ठंड ज़्यादा लगती है, तेज़ बुखार आता है, सिर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, और शरीर में भी दर्द हो सकता है। तो ये दूसरे जो बुखार हैं, वायरल बुखार हैं, उनसे मिलता जुलता ही है। अलग करना, इसको सिम्टम अलग करना मुश्किल होता है। हाँ, इसको कन्फर्म कर सकते हैं हम खून की जाँच के द्वारा। अगर हम खून की जाँच करा लें तो मलेरिया पैरासाइट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको पता कर सकते हैं कि ये कौन सी मलेरिया है, वाइवैक्स है या फैल्सीपैरम है। क्योंकि वाइवैक्स का इलाज अलग दवाओं से होता है, फैल्सीपैरम का इलाज अलग दवाओं से होता है, इसलिए